अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है और ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन सा है, इसको हमने डिस्कस करना है। और इसके जो मेन कंटेंट्स हैं हमारे इस टॉपिक के वो हम देख लेते हैं। इन कंटेंट्स में हमने पढ़ना है ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, गाइडेड मीडिया, इसकी टाइप्स पढ़नी है हमने। गाइडेड मीडिया हमारे पास होता है और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसकी दो टाइप्स है, फर्दर शीट ट्विस्टेड पेयर केबल और शीट ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल है हमारे पास और फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रोपोगेशन मोड के बारे में भी पढ़ना है, प्रोपोगेशन मोड क्या है और ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या हैं ये भी हमने पढ़ना है। अच्छा, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स की पहले बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट एक्चुअली हमारे पास होता है द लॉस इन सिग्नल पावर। ठीक है, जो सिग्नल हम सेंड करते हैं और जो सिग्नल हमें रिसीव होता है, यानी जो सिग्नल एट द सेंडर एंड होता है, व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड ड्यू टू इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, जो सिग्नल हमने सेंड किया है उसकी जो पावर होती है और वो जितनी स्ट्रेंथ होती है सिग्नल की, वो रिसीविंग एंड पे उतना नहीं होती। ठीक है, वो किस वजह से होती है, ड्यू टू इम्पेयरमेंट्स। सो इम्पेयरमेंट एक्चुअली इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने आपको पहले कहा तो यही बनती है कि द लॉस इन सिग्नल पावर आर सिग्नल स्ट्रेंथ, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। इसकी कुछ टाइप्स हैं, काजेज़ हैं जो इम्पेयरमेंट्स की मेन काजेज़ हैं, उनमें अटेनुएशन है, डिस्टॉर्शन है और नॉइज़ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अटेनुएशन की। अटेनुएशन हमारे पास क्या है, आप इसको बुक से भी देख सकते हैं कि अटेनुएशन मीन्स अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, सॉरी। ठीक है, अटेनुएशन एक्चुअली लॉस ऑफ एनर्जी होता है कि सिग्नल सिंपल सिग्नल में या फिर कंपोजिट सिग्नल में जब वो मीडियम में ट्रैवल करता है तो इसकी एनर्जी लॉस होती है। किस वजह से, ड्यू टू ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, मीडियम की रेजिस्टेंस की वजह से या किसी और वजह से भी हो सकती है। ठीक है, चूँकि जो वायर होते हैं हमारे पास, यहाँ पर ये मैंशन है द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल गेट्स वार्म, कि वो गर्म हो जाती हैं, उनकी वजह से हमारे पास जो है वो सिग्नल लॉस हो सकता है। ठीक है, लेट्स ये ओरिजिनल सिग्नल है जो 0.1 से हमने सेंड किया है और 0.2 पे पहुंचते हुए ट्रांसमिशन मीडिया पे इसमें अटेनुएटेड सिग्नल हो गया, इसमें अटेनुएशन आई है, इसकी जो एनर्जी है सिग्नल की वो कम हो गई है। सो इसका एक डेसिबल जो यूनिट है ये कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को या फिर उसकी वीकनेस को काउंट करने के लिए हमारे पास डीबी अकाउंट है। डीबी 10 log 10 P2 और P1। P2 है द पावर ऑफ द सिग्नल एट 0.2 एंड P1 द पावर ऑफ द सिग्नल एट 0.1। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करते हुए अगर हमारे पास रिजल्ट प्लस में आता है तो इसका मतलब सिग्नल गेन है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ है। अगर इसका रिजल्ट ने लेस देन 1 आता है और 0 से लेस आता है तो फिर उसका मतलब है कि इसमें सिग्नल को लॉस हुआ है। सो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अटेनुएशन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन मीन द सिग्नल चेंज इट्स फॉर्म और शेप। ठीक है, चेंज इन सिग्नल शेप और फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को यहाँ पे भी देख लेते हैं बुक के अंदर जो इसकी डिटेल दी गई है, डिस्टॉर्शन की डेफिनेशन भी देखें यहाँ पे। डिस्टॉर्शन मीन दैट द सिग्नल चेंज इट्स फॉर्म और शेप, यानी कि जो सेंडिंग एंड पे, ये मोस्टली होता है कंपोजिट सिग्नल के अंदर, क्योंकि ये अलर्ट से ये मैं कंपोजिट सिग्नल भेजना चाह रहा हूँ, उसकी ये शेप थी। ठीक है, सेंडिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे उसकी शेप या फिर जो फेज़ है वो चेंज हो जाती है, अगर तो इसका मतलब है कि इसमें डिस्टॉर्शन आई है। डिस्टॉर्शन की वजह से वो अपनी फेज़ जो है वो चेंज कर लेता है, जिसको फेज़ शिफ्टिंग कह सकते हैं हम। ठीक है, फेज़ शिफ्ट हो जाती है अगर लेट्स से सेंडिंग एंड पे उसकी और फेज़ थी और सेंडिंग एंड के बाद जो रिसीविंग एंड पे उसकी फेज़ थी वो और मिली है, उसका मतलब है इसमें क्या है, डिस्टॉर्शन आया है। ठीक है, और थर्ड वन जो है वो नॉइज़ है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। नॉइज़ इज़ एन अदर काज ऑफ इम्पेयरमेंट्स और इसकी फर्दर का और भी टाइप्स हैं, इसमें थर्मल नॉइज है, इंड्यूस्ड नॉइज है, क्रॉस टॉक है, इम्पल्स नॉइज है और इसके अलावा भी और नॉइज की टाइप्स हैं। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास इंड्यूस्ड नॉइज क्या चीज़ है। इंड्यूस्ड नॉइज कम्स फ्रॉम सोर्स सच एज मोटर्स एंड एप्लायंसेस। अगर आप सिग्नल जहाँ से आप सेंड करना चाह रहे हैं, जो सेंडर डिवाइस जहाँ पर रखी हुई है, अगर उसके साथ कोई इस तरह की हैवी मशीनरी पड़ी है, जो हैवी इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई और कोई अप्लायंसेज हैं ऐसी जो पड़ी हैं और सोर्स के करीब पड़ी हैं, तो उनकी वजह से इंड्यूस यानी इंडक्शन प्रोड्यूस होती है और इंडक्शन की वजह से जो नॉइज़ काज होता है उसको इंड्यूस नॉइज़ कहा जाता है। ठीक है,
क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास अगर कोई आपका जो सोर्स है जो सिग्नल सेंड कर रहा है उसके साथ कोई और पावरफुल डिवाइस रखी हुई है, तो वो डिवाइस ऐसा सेंडिंग एंटीना काम कर लेती है जिसकी वजह से आपके ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर जो है उसको रिएक्ट किया जाता है एज अ रिसीविंग एंटीना। तो वो सेंडिंग और रिसीविंग, सेंडिंग होगी आपकी एक्स्ट्रा अप्लायंसेस और रिसीविंग होगी आपका मीडियम, तो वो उसकी वजह से एक और जो कम्युनिकेशन काज बनती है, जो कम्युनिकेशन क्रिएट होती है, वो ओरिजिनल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, उसके बाद इम्पल्स नॉइज जो है इज़ अ स्पाइक, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपके वोल्टेजेस या एनर्जी में अचानक चेंज की वजह से आता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स नॉइज। ठीक है, थर्मल नॉइज जो होता है वो मोस्टली जब वायर्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनकी हीटअप हो जाने की वजह से काज होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, ये आपके लेट से 0.1 पे ओरिजिनल सिग्नल है जो ट्रांसमिट हुआ है, और नॉइस की वजह से उसके जो रिसीविंग सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ये देखिए स्पाइक क्रिएट हो सकती है या कुछ। इसके अलावा SNR एक हमारे पास जो यूनिट है SNR जिसको कहा जाता है, उसका जो फार्मूला है एवरेज सिग्नल पावर और एवरेज नॉइस पावर। ठीक है, सिग्नल पावर और नॉइस पावर को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास SNR आता है जिसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के बाद मीडिया के ऊपर, व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया की जो डेफिनेशन है वो है कि ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि वो रास्ता जिसके ऊपर सिग्नल सेंड किया जाता है या सिग्नल ट्रैवल करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन की तरफ, उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया को अगर यहाँ पे फर्दर डिस्क्राइब करके हम देखें तो ये हमें पता चलता है कि ट्रांसमिशन मीडिया आर लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर। ठीक है, सेंडिंग एंड पे हमारे पास जो फिजिकल लेयर है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है ट्रांसमिशन मीडिया के साथ, और सेम एज रिसीविंग सेंड पे भी फिजिकल लेयर जो है वो कनेक्टेड होगी ट्रांसमिशन मीडिया के साथ। लेकिन ये ट्रांसमिशन मीडियम जो है हमारे पास ये केबल है या फिर एयर है जो भी होगी, तो इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसका होगा, फिजिकल लेयर का होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है इसमें, गाइडेड मीडिया है और अनगाइडेड मीडिया है। ठीक है, गाइडेड मीडिया वायर्ड होता है जिसकी फर्दर टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, और अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, जिसमें फ्री स्पेस है, ठीक है, फ्री स्पेस इसका मीडियम है जिसको हम यूज़ करते हैं। चलेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अनगाइडेड मीडिया की जो डिटेल है उसके बारे में पढ़ते हैं कि अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल कनेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा गाइडेड मीडिया में फिजिकल कनेक्शन होना ज़रूरी होगा सेंडर टू रिसीवर के दरमियान में, जबकि अनगाइडेड मीडिया में ये ज़रूरी नहीं होता। सो अनगाइडेड मीडिया में कौन कौन सी टाइप्स आ सकते हैं, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव्स हैं। ठीक है, ये जो है एज अ अनगाइडेड मीडिया यूज़ होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो होगी वो अनगाइडेड मीडिया होगी। उसके अलावा प्रोपोगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रोपोगेशन मेथड्स एक्चुअली अनगाइडेड सिग्नल्स के लिए होते हैं मोस्टली, सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करने के लिए, और ये कौन कौन से हो सकते हैं प्रोपोगेशन जो है उसकी फर्दर थ्री टाइप्स हैं, जो फर्स्ट है ग्राउंड प्रोपोगेशन है, सेकेंड स्काई प्रोपोगेशन, ये देखें स्काई प्रोपोगेशन है, एंड उसके बाद लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। अच्छा जी, ग्राउंड प्रोपोगेशन में ये होता है जो अर्थ कर्वेचर है आपका सिग्नल उसके साथ ट्रैवल करता है। ठीक है, आपका जो आइनोस्फेयर है ये इस एरिया को आइनोस्फेयर किया जाता है जिसमें ये सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, और इससे ऊपर का जो एरिया होता है उसको आइनोस्फेयर के साथ, यानी आपका सिग्नल जो है विद इन आइनोस्फेयर ट्रैवल करता है इन ग्राउंड प्रोपोगेशन, और अगर आइनोस्फेयर क्रॉस करके जाता है रिफ्लेक्ट होके अगेन वापस आता है दूसरे रिसीवर की तरफ, ये ट्रांसमिशन एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है, ये दोनों टावर्स हैं एक्चुअली जो एंटीनाज हैं इसके ऊपर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना, इट्स यहाँ से सिग्नल ने सेंड किया है वो इस स्काई प्रोपोगेशन में, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अगेन वापस आया रिसीवर के पास, तो दैट इज़ कॉल्ड स्काई प्रोपोगेशन, और इसमें सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 to 30 MHz होती है। और आइनोस्फेयर में अगर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करवाई जाए विद इन आइनोस्फेयर, यानी कि ये स्काई की तरफ नहीं जाता, बट इन जो एंटीनाज हैं इनकी हाइट इतनी होती है कि इसके दरमियान में ग्राउंड्स की कोई हर्डल्स नहीं होनी चाहिए, अगर दरमियान में हर्डल्स हुई तो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइड हमारे पास इन्हीं की डिटेल है, ग्राउंड प्रोपोगेशन रेडियो वेव्स ट्रैवल थ्रू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के लोएस्ट पोर्शन में अर्थ कर्वेचर के इर्द गिर्द जो है ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड प्रोपोगेशन। उसके बाद है स्काई प्रोपोगेशन, तो आपका क्या होता है स्काई प्रोपोगेशन में, सेंडर के सिग्नल्स जो हैं वो स्काई प्रोपोगेशन की तरफ रेडिएट करते हैं और वहाँ से एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं अर्थ की तरफ,
और अगेन उसकी तरफ ट्रैवल करते हैं। ये यहाँ पे अगर हम इसको कहें डायरेक्ट यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं रिसीवर की तरफ तो भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है लाइनोसाइट प्रोपगेशन। लाइनोसाइट प्रोपगेशन जो है हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट एंटीना जो कि स्ट्रेट एक दूसरे के डायरेक्टली आमने सामने होते हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड लाइनोसाइट प्रोपगेशन। अच्छा, बैंड्स प्रोपगेशन मेथड्स के अंदर कौन कौन से यूज़ होते हैं इनकी डिटेल देख लेते हैं। बैंड्स में हमारे पास VLF है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी। वेरी लो फ्रिक्वेंसी जो है 3 से 30 किलोहर्ट्ज तक होती है, इसकी प्रोपगेशन मेथड ग्राउंड होगा। और इसके एप्लीकेशन जो हैं लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स या रेडियो नेविगेशन सिस्टम जो उसके लिए यूज़ होता है। लो फ्रिक्वेंसी 30 to 300 किलोहर्ट्स इसकी रेंज है और इसमें प्रोपगेशन मेथड ग्राउंड यूज़ होता है। और अगेन ये रेडियो बैकन्स एंड नेविगेशन लोकेटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मीडियम फ्रिक्वेंसी है जो कि 300 किलोहर्ट्स से 3 मेगाहर्ट्ज तक है, इसके प्रोपगेशन मेथड स्काई है और AM रेडियो इसकी एप्लीकेशन है। और हाई फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 3 to 30 मेगाहर्ट्ज और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है जो कि 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज है। उसके बाद सुप्रीम हाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जो कि 3 to 30 गीगाहर्ट्ज इसके लिए नोसाइट प्रोपगेशन है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है इसकी, ठीक है। उसके अलावा एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास 30 to 300 गीगाहर्ट्ज तक इसका भी प्रोपगेशन मेथड लाइनोसाइट है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बैंड्स को अगर हम देखते हैं फ्रिक्वेंसी बैंड्स को तो हमें पता चलता है जो लाइनोसाइट कम्युनिकेशन है वो हाईएस्ट बैंड्स की फ्रिक्वेंसी यूज़ करती है, ठीक है। उसमें सेलुलर फोन देखें इसके एप्लीकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन जो है वो भी इसमें यूज़ होता है। और जो ग्राउंड प्रोपगेशन है वो लो फ्रिक्वेंसी मीडियम को यूज़ करते हैं, यानी ग्राउंड प्रोपगेशन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अनगाइडेड मीडिया की तरफ। अनगाइडेड मीडिया कौन कौन सा है? ऐसा मीडिया जो कि वायर्ड के साथ कनेक्टेड होगा दैट विल बी कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन में होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ अनगाइडेड मीडिया। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं और इंफ्रारेड वेव्स हैं, ठीक है। और इसमें रेडियो वेव्स क्या हैं इनको हम देख लेते हैं। ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के लिए यूज़ होता है, फ्रिक्वेंसी बिटवीन 3 kHz to 1 GHz होती है। और ये मल्टीकास्ट मल्टी वे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जैसे रेडियो टेलीविजन और पेजिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है। रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग ईजिली सो दैट वाइडली यूज फॉर इंडोर्स एंड आउटडोर कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हैं तो ये ट्रैवल कर सकते हैं और बिल्डिंग्स के अंदर भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है। जिनके लिए एंटीना यूज़ होता है वो यहाँ पे उसकी डायग्राम भी बताई गई। अगर देखें, अगर डिश एंटीना जो है जो ट्रांसमिशन एंटीना है, ट्रांसमिशन ये ट्रांसमिट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को फ्राम ट्रांसमीटर, और रेडियो फ्रिक्वेंसी को देन कन्वर्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय एंटीना देन रेडिएट इनटू सराउंडिंग, ठीक है। कन्वर्ट करते उसके बाद इसे क्या करता है पूरे जो सराउंडिंग हैं उसमें रेडिएट कर देता है इन सिग्नल्स को। रिसीविंग एंटीना क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक एंगल पे फोकस होते हैं सिग्नल और फोकस होकर फिर रिसीविंग एंटीना उनको रिसीव करता है और देन उनको आउटपुट के ऊपर कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस अवेलेबल होती है यानी कि जो LCD LED या मॉनिटर होता है। माइक्रोवेव्स क्या होते हैं? माइक्रोवेव्स आर आइडियल व्हेन लार्ज एरिया नीड टू बी कवर, जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना हो हमने और उनके दरमियान में कहीं ऑब्स्टेकल्स ना हो तो फिर हम उसके लिए माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। उनका लाइनोसाइट प्रोपोगेशन होता है, माइक्रोवेव्स में लाइनोसाइट प्रोपोगेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन की फर्दर जो डिटेल्स हैं और एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फ्रिक्वेंसी बिटवीन 1 GHz to 300 GHz, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी रेंज यूज़ होती है उनके एप्लीकेशंस में, वो यहाँ पे दी हुई हैं। लैंस हैं, वाईफाई में, वाईमैक्स में और GPS वगैरह में ये यूज़ होते हैं, ठीक है जी। इसके आगे इंफ्रारेड रेज हैं, ठीक है। इंफ्रारेड जो हैं ये सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं, जो कि देखें कि बैंड फ्रिक्वेंसी बैंड अगर फ्रिक्वेंसी रेंज में देखता हूँ 300 GHz to 400 MHz तक होती हैं, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होती है क्योंकि हमारी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स जो हैं वो लॉन्ग रेंज पे ट्रैवल नहीं कर सकते। और इनके एग्जांपल्स नाइट विजन कैमरा है, रिमोट कंट्रोल है, फ्लैश शेयरिंग और दूसरे अप्लायंसेस हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वायर्ड मीडिया, ठीक है। वायर्ड मीडिया में हम किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं।